हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का हमारा टॉपिक है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉलिड्स आज हम देखेंगे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉलिड्स क्या होता है सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझते हैं फर्मी के मुताबिक जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी होता है ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट एक खास क्वांटम स्टेट के ऑक्यूपेंसी का का ऑक्यूपेंसी मींस उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा ठीक है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारा एफ ऑफ ई और वो इक्वल होता है वन डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस वन के ये ऑक्यूपेंसी है इसको हमें डिराइव नहीं करना है आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको यहाँ पर हम एफ ऑफ ई को कहते हैं फर्मी फैक्टर या फर्मी फंक्शन सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो जीरो कैलविन है तो उस वक्त क्या होता है उस वक्त अगर हमारा ई एफ जो है ई एफ नॉट वो कम हुआ ई e से ठीक है यहाँ पर हमने ई एफ नॉट पुट किया है वो अगर ई e से कम हुआ तो उस वक्त क्या होगा उस वक्त हमारा एफ ऑफ ई जो है वो बराबर होगा वन डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है ई रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी जिसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं तो वो होगा हमारा वन डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर इन्फिनिटी एनीथिंग रेस टू पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है जैसे कि हम टू का कर स्क्वायर करते हैं थ्री का स्क्वायर करते हैं तो नंबर इंक्रीज हो रहा है ना तो इंफिनिटी करेंगे तो इंफिनिटी बन जाएगा और यहां पर वन अपॉन इन्फिनिटी जो है वो जीरो के बराबर होता है तो ई रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी हमारा जीरो के बराबर होगा तो यहाँ पर आएगा जीरो जीरो प्लस वन जो है वो वन होगी एफ ऑफ ई जो है हमारा वन के बराबर होगा अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो हमारा एनर्जी ई e है आगे वाला टर्म है वो ई एफ ऑफ नोट से ग्रेटर है तो उस वक्त ये जो टर्म है वो प्लस इन्फिनिटी में आएगा तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ इंफिनिटी आएगा और एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी जो है इेस टू पावर इन्फिनिटी जो है वो इंफिनिटी ही होता है तो यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी प्लस वन इंफिनिटी पे हम वन प्लस करेंगे इन्फिनिटी ही आएगा ग्रेटेस्ट नंबर ठीक है तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो है तो एफ ऑफ ई जो है वो हमारा जीरो होगा एंड जब ई e हमारा ई एफ नॉट के बराबर होता है तब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ऑफ e को तो यहां पर हम क्या करेंगे वाई एक्सिस पर एफ ऑफ ई का वेल्यू लिखेंगे और एक्स एक्सिस पर एनर्जी का वेल्यू लिखेंगे ठीक है तो एफ ऑफ ई जीरो होगा या वन होगा हम लिखेंगे फिर यहाँ पर हम एनर्जी लिखेंगे ये है हमारा ई एफ नॉट यानी कि फर्मी एनर्जी एट जीरो नॉट का मतलब जब एनर्जी नॉट से कम होगी तब हमारा ऑफ जो है वो वन के बराबर होगा और जब एनर्जी उससे ज्यादा होगी नॉट से तब हमारा ऑफ जो है वो जीरो मतलब क्या है वन का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो मैक्सिमम है यानी कि ये फिल्ड होगा ठीक है और जीरो का मतलब है कि जो ऑक्यूपेंसी है ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रोन क्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने पोजीशन ऑक्यूपाई किया है कि नहीं है वो जो है जीरो है एम्प्टी है वही सेम चीज जो है यहाँ पर बुक में भी लिखा है फर्मी डायरिक स्टेटिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉलिड्स, एस डिस्कस इन केस ऑफ वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एन इलेक्ट्रॉन्स। हमने वन डायमेंशन में एन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था दैट अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और उसमें हमने डिस्कस किया कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स एन इलेक्ट्रॉन में से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है द क्वांटम नंबर्स इन थ्री डायमेंशनल केसेस आर जो थ्री है उसमें हमारा क्वांटम नंबर है के एक्स के वाई के जेड और एस अब एस के जो है दो वैल्यूज होगा एस हमारा स्पिन है प्लस हाफ या माइनस हाफ तो किसी एनर्जी लेवल के लिए जिसका के एक्स के वाई और के जेड का वेल्यू दिया हुआ होगा ठीक है गिवन होगा कॉन्स्टेंट होगा वो क्या कर सकता है वो ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा अप और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा डाउन तो हर एनर्जी लेवल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हर एनर्जी लेवल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होगा एन इलेक्ट्रॉन्स है तो हर लेवल में दो दो अगर हम पुट करेंगे तो एन अपॉन टू एनर्जी लेवल्स हमें चाहिए जब हम एन को इवन मानेंगे ठीक है तो यहाँ पर लिखा है कि इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट द सिस्टम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट ये भी हमने माना है कि जो सिस्टम है वो ग्राउंड स्टेट में है एब्सोल्यूट जीरो पर एक्साइटेशन नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया एनर्जी अब्जॉर्ब करके ठीक है और एन अपॉन टू लेवल को हम जो है स्मॉल एन एफ के साथ बी डिनोट करते हैं और उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं और ये जो फर्मी लेवल है वो फिल्ड और एम टी लेवल्स को डिवाइड करता है जो लेवल फिल्ड है और जो लेवल खाली है वही फर्मी लेवल डिवाइड करता है ठीक है पहले हमने क्या माना था ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल कैन हैव सेम एनर्जी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारों की एनर्जी सेम है लेवल्स में नहीं है एन वन एन टू एन थ्री करके ठीक है तो जीरो कैलविन पर दे ऑल कंडेंस इनटू टू लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी तो जीरो कैलविन पर वो सारे जो है लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी में होंगे लेकिन जब हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेट्स लेवल ऑक्यूपाई करता है और उनका वैल्यू होता है जीरो से लेकर ई एफ नॉर्थ तक फर्मी ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी के रिलेशन भी निकाला ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट एक खास क्वांटम स्टेट के लिए ई e स्टेट है हमारा यहाँ पर जो की है हमारा एफ ऑफ इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एक्सपोनशियल ऑफ ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के प्लस वन के जहां पर एफ ऑफ ई जो है वो है हमारा फर्मी फैक्टर या फर्मी फंक्शन और ई e जो है एनर्जी है हमारे दिए गए स्टेट का पर्टिकुलर स्टेट का e F जो है है वो फर्मी एनर्जी टेम्परेचर टी पर और इसका फंक्शन भी प्लॉट करके पीछे दिखाया है एफ ऑफ ई और ई e का रिलेशन ठीक है फर्मी फैक्टर का बिहेवियर हम देखेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पर यहाँ पर रिलेशन दिखाया है ठीक है आज हम जीरो कैलविन को ही देखेंगे जब टेम्परेचर जीरो कैल्विन होता है तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है हमारा ई e के पावर में जो टर्म है हमारा एनर्जी वो जो है ई एफ नोट से कम हो सकता है तो उस वक्त क्या होगा उस वक्त हमारा एफ ऑफ ई जो है वो वन के बराबर आ जाएगा क्योंकि उस केस में ई रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है ठीक है और अगर हमारा एनर्जी ई एफ नोट से ज्यादा हुआ उस वक्त एफ ऑफ ई जो है वो हमारा जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है एफ ऑफ ई वन है एनर्जी ई एफ नोट से कम वाले एनर्जी लेवल के लिए उसका मतलब है कि जितने भी क्वांटम स्टेट्स है वो ऑक्यूपाइड है इसलिए वन है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वन होता है ठीक है और अगर एनर्जी हमारा ई एफ नोट से ग्रेटर है तो एफ ऑफ ई जो है हमारा जीरो आता है इसका मतलब है की जितने भी क्वांटम स्टेट्स है वो है लविन पर और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारा एनर्जी वो सर्वरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है तो ये जीरो कैलविन का हमारा एनर्जी लेवल है जीरो कैलविन पर और आज हम इतना ही पढ़ेंगे फर्मी डायरेक्ट स्टेटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉलिड्स के बारे में आप दूसरे वाले बुक में से भी कर सकते हो दूसरे वाले बुक में क्या लिखा है क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स है सॉलिड में उनका जो है एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होता है उनका एनर्जी डिस्क्रीट होता है लेवल में होता है एनर्जी के बीच में गेप होगा ठीक है तो हम जो है इंटरेस्टेड इन नोइंग हम ये जानना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है अलग अलग एनर्जी लेवल पर किसी टेम्परेचर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा एक एनर्जी के बैंड में हम यहाँ पर मैक्सवेल बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि सबसे पहले तो वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है और दूसरा वो इनडिस्टिंग पार्टिकल्स हैं डिस्टिंगविशिबल पार्टिकल्स होता तो हम अप्लाई कर पाते लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जैसे हैं तो मैक्सवेल बोल्डसमैन डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है यानी कि हर एक लेवल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स होगा ठीक है तो जो स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्वांटम पार्टिकल के लिए जो अप्लाई होगा वो होगा हमारा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो हम यहाँ पर फर्मी डायरेक्ट ने जो फॉर्मूला दिया था स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपको डिटेल में पता लगेगा मैक्सवेल बोल्ड्समैन बोज आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन uh, क्या होता है बोलकर यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिया है हम फर्मी डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ्यूपाइज एन एनर्जी लेवल ई इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जो कि किसी एनर्जी लेवल में बैठा हुआ होगा ऑक्यूपाई कर रहा होगा उसका फॉर्मूला ये है एफ ऑफ ई जो है वो बराबर होगा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ अपॉन के टी के One को आगे लिखे, पीछे लिखे चलेगा प्लस में फर्मी लेवल जहां पर ई एफ को हम फर्मी लेवल कहते हैं ई एफ जो है वो किसी एनर्जी लेवल को करस्पॉन्ड कर सकता है रिलेट कर सकता है या नहीं भी कर सकता लेकिन ये हमें रेफरेंस देता है अदर एनर्जीज कैन बी कम्पेयर और उस को यूज करके ई एफ को यूज करके हम दूसरे एनर्जीज को कंपेयर कर सकते हैं ठीक है जो फंक्शन एफ ऑफ ई है उसको हम फर्मी फैक्टर कहते हैं और ऊपर वाले इक्वेशन को हम कहते हैं फर्मी डायरेक्ट इक्वेशन या फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल ई को ऑक्यूपाई करने का वो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगी वो इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में होगा वो इंक्रीज होगा ठीक है तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद जो रिलेटेड टॉपिक्स है कंडक्टर से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन करेंगे और अदर टाइप ऑफ सॉलिड्स के लिए भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होगा सिर्फ मेटल्स के लिए नहीं फिर यहाँ पर फर्मी लेवल के बारे में लिखा है जो ऑक्यूपेंसी है एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में है बोलकर जो हमें पता लगता है ठीक है ऑक्यूपाई उसने किया है वो कौन बताएगा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताएगा हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर हम दो सिचुएशन को कंसिडर करें एक सिचुएशन होगा हमारा जीरो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो जीरो कैलविन वाला टेम्परेचर और दूसरा सिचुएशन होगा उससे हाई वाला टेम्परेचर अब जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्यूपाई करता है एनर्जी लेवल को पेयर में हर लेवल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बैंड ये जो एनर्जी लेवल का बैंड है ना उसके नीचे से स्टार्ट करना है टू अपर लेवल डेजिग्नेटेड एस इ एफ और ऊपर की तरफ हमें चलते जाना है जिसको हम ई एफ कहते हैं फर्मी लेवल कहते हैं ठीक है अपर मोस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल इन कंडक्टर एट जीरो फर्मी लेवल हम उस लेवल को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा जो कि फिल्ड होगा वो एनर्जी लेवल जो कि फिल्ड है अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाला ठीक है ये नीचे वाले नहीं है उसको हम कहते हैं फर्मी लेवल जीरो कैल्विन पर और करस्पॉन्डिंगली जो फर्मी एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी हम कहते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के पास हो सकता है जीरो कैलविन पर सबसे ज्यादा एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन के पास होता है उसको हम फर्मी एनर्जी कहते हैं एनर्जी बैंड और फर्मी फंक्शन जीरो कैल्विन पर फिगर टू में दिखाया है ठीक है ये है हमारा फिगर कंडक्शन बैंड इन अ कंडक्टर एट जीरो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर ए में दिखाया है बैंड में दूसरा फर्मी डायरेक्ट फंक्शन दिखाया है जीरो से लेकर वन तक और यहाँ पर ई एफ हमारा एनर्जी है फर्मी एनर्जी आज हम सिर्फ केस फर्स्ट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो इक्वेशन हमने पहले निकाला था एफ ऑफ ई का टेम्परेचर हमारा जीरो कैल्विन है वहां पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे सबसे पहला कंडीशन है हमारा कि जो हमारा एनर्जी ई e है वो ई एफ से कम है देन e तब क्या होगा e EF जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी है कि नहीं तो यहाँ पर ई माइनस ई एफ जो है वो माइनस में होगा क्योंकि ई e हमारा छोटा है और डिवाइडेड बाय जीरो है टेम्परेचर हमारा जीरो कैल्विन है तो एनी भी नंबर कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय अगर हम जीरो करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा ये चीज ध्यान में रखना ठीक है वो जो है इन्फिनिटी के बराबर होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो जीरो के बराबर होता है तो यहाँ पर जीरो आएगा तो हमारा आंसर होगा वन वन प्लस जीरो होता है वन डिवाइडेड बाय वन वन तो एफ ऑफ ई जो है वो हमारा वन होगा इसका मतलब है कि जितने भी एनर्जी लेवल्स है जो कि ई एफ से नीचे है वो सारे ऑक्यूपाइड होंगे प्रोबेबिलिटी वन आया ना यानी कि ऑक्यूपाई होगा अब अगर हमारा एनर्जी लेवल जो है वो ई एफ से ऊपर है ग्रेटर e देन तब ई माइनस ई एफ जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा डिवाइडेड बाय जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी होता है तो हमें मिलेगा यहाँ पर इंफिनिटी इ रेस टू पावर इन्फिनिटी जो है वो हमारा इन्फिनिटी के बराबर आता है और इन्फिनिटी पे प्लस वन करेंगे बहुत बड़ा नंबर है वन प्लस कर दो वही बड़ा नंबर रहेगा ठीक है इन्फिनिटी ही आएगा और वन डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जो है वो जीरो होता है ये आपको ध्यान में रखना है एक को हमने इन्फिनिट से डिवाइड कर दिया तो जीरो आएगा तो एफ ऑफ ई जो है यहाँ पर हमारा जीरो है इसका मतलब है कि जितने भी लेवल्स ई एफ के ऊपर होंगे जीरो कैलविन पर वो जो है खाली होगा उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होगा फर्मी लेवल की बात हो रही है ठीक है नाउ अगर हमारा एनर्जी और ई एफ दोनों बराबर है तो उस केस में ई माइनस ई एफ जो है वो जीरो आएगा और डिवाइड में टेम्परेचर भी जीरो है तो हमें क्या मिलेगा जीरो डिवाइडेड बाय जीरो मिलेगा जो इन इनडिटरमिनेट है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ये नंबर क्या है बोलकर ठीक है तो ई इज इक्वल टू ई एफ पर क्या होता है वो हम नहीं बता सकते तो ऊपर वाले रिजल्ट से हमें ये पता चला कि जो ऑक्यूपेंसी है फर्मी लेवल का जीरो कैलविन पर टेम्परेचर जब जीरो कैल्विन हो वो रेंज करता है जीरो से लेकर वन तक तो आज हम केस वन ही करेंगे बुक में बहुत सारी चीजें मिस प्रिंट हुई है तो आप जो है यहाँ से लिख सकते हो और यही था आज का हमारा टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग